हल्द्वानी के नगर निगम सभागार में जिलाधिकारी वंदना सिंह की अध्यक्षता में गणमान्य लोगों की बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में सामाजिक संगठन और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के दौरान जो हिंसा हुई है उस पर कानूनी रूप से सख्त कार्यवाही की जा रही है, लेकिन अब प्राथमिकता हल्द्वानी शहर के जन सामान्य को बेहतर माहौल देने की है। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह की घटना कि पुनरावृत्ति ना हो और हल्द्वानी में दोबारा से इस तरह की घटना ना हो, उसके लिए सत्यापन अभियान समेत कई अन्य सुझाव दिए। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। तो हमने आज सभी वर्गों के सभी प्रकार के व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं हल्द्वानी शहर के, उनको बुलाया था। सभी से ये अपील करी गई है कि एक वर्ग विशेष को भी टारगेट ना करें और आपस में भी इस प्रकार की कोई भावना ना रखें गुस्से की या दुश्मनी की, जिससे आगे भविष्य में शहर की शांति व्यवस्था कोई खतरा हो। सफाई कर्मचारियों की यूनियन की तरफ से भी एक बयान पिछले दिनों आया था कि वो उस क्षेत्र में सफाई नहीं करेंगे, तो ये मैं उनका गुस्सा समझ सकती हूँ, क्योंकि सफाई कर्मियों को भी काफ़ी चोटें आई थी उस घटना के दौरान। तो हमने उनको भरोसा दिलाया है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है और ऐसे सिर्फ एक विशेष एरिया को टारगेट करके कोई बायकॉट वगैरह ना करा जाए, जिससे आगे भविष्य में माहौल ना बिगड़े।